फर्स्टली आई वॉन्ट टू थैंक सुमित सर एंड ऑल स्टाफ दैट गिव मी द चांस टू बुलाया और मेरे को प्रेरित किया. मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि आज से 4 साल पहले तक मैं भी आपके जैसे यहीं पे बैठता था, यहीं किसी लाइन में बैठता था, इसी एक प्रेयर का हिस्सा होता था. लेकिन आज मेरे को इतना बड़ा मौका मिला कि मैं आज मंच पे आके आपके सामने बोल रहा हूँ. फर्स्टली थैंक यू सो मच सर. मेरा भारतीय वायुसेना में चयन 3 साल पहले हुआ था. मैं 2019 बैच का पास आउट हूँ और 2020 में मेरा सिलेक्शन हुआ था. 2021 में मैंने ज्वाइन कर लिया था स्टार्टिंग में. तो इस प्रेयर ग्राउंड से लेकर के यहाँ तक आने में क्या क्या जो क्या क्या फैक्टर जो काम करते हैं, जो चीजें भूमिकाएं निभाती हैं, उनमें सबसे पहले मैं 3 पॉइंट्स पे बात करूंगा जो होते हैं हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड थर्ड वन इज टारगेट. अगर उसको मिलिट्री की लैंग्वेज में बोले तो मिशन, इंटीग्रिटी एंड एक्सीलेंस. सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिशन से. मिशन दैट कॉल्ड टारगेट. अगर आप किसी चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप में से कितने ऐसे हैं जो डिफेंस या फिर मिलिट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं? रेज योर हैंड प्लीज. जिनको आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है, जिनको मिलिट्री ज्वाइन करनी है, जिनको फौज में जाना है. यूनिफॉर्म सर्विस किसी को पसंद है? एवर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दोस. इतनी छोटी उम्र में इन्होंने सोच लिया कि मुझे यूनिफॉर्म वाली जॉब चाहिए, यूनिफॉर्म वाली सर्विस चाहिए. बहुत प्राउड की बात है. तो फर्स्टली स्टार्ट विद मिशन. इफ यू डोंट हैव टारगेट, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा फुटबॉल मैच चल रहा है, मेसी, रोनाल्डो, सुनील छेत्री, बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए हैं, लेकिन उसमें गोल नहीं है. उस अगर ग्राउंड में गोल पोस्ट नहीं है, कोई मैच जीतेगा? कोई जीत पाएगा मैच? कहीं भी भाग लो, कितना भी भाग लो, कितनी भी मेहनत कर लो, विदाउट गोल कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा. तो सबसे पहले तो डिसाइड योर गोल्स कि आपको करना क्या है, एग्जैक्ट करना क्या है. नॉट ओनली स्टडीज, अगर मुझे कबड्डी खेलनी है तो कबड्डी इतनी खेलनी है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं. अगर मुझे पढ़ाई में बेस्ट करना है तो इतना बेस्ट करना है कि मतलब लोग देखें कि मतलब ये इतनी भी पढ़ाई होती है. अगर क्रिकेट खेलना है तो ड्रीम गोल इतना होना चाहिए कि मुझे इंडियन टीम में खेलना है. दैट शुड बी द टारगेट, दैट शुड बी द गोल. सेकेंड वन इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो डिसिप्लिन. इंटीग्रिटी का मतलब होता है डूइंग राइट थिंग्स व्हेन नो वन इज वॉचिंग. व्हेन समवन इज वॉचिंग, व्हेन सुमित सर इज वॉचिंग, यू विल डू ऑल बेस्ट. बट व्हेन नो वन इज वॉचिंग, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी. और मिलिट्री में इंटीग्रिटी का टॉप एस्पेक्ट है कि मतलब इंटीग्रिटी होनी ही होनी चाहिए. चीजें सही जब कोई देखता है तब सब कर लेते हैं, जब कोई नहीं देख रहा है तब चीजों को करना, दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी. सुमित सर देख रहे हैं तब तक तो किताब खोल रखी, फिर फोन निकाल लिया, दैट्स नॉट इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी वो कि सर चले गए फिर भी, लेकिन मुझे अपने लिए करना है. और फोन का तो ऐसा मतलब क्रेज चल रहा है इस टाइम पे कोविड के बाद से कि स्मार्टफोन पे बहुत मतलब, और इस पे कुछ मतलब प्रोडक्टिव नहीं है ये. चलो उस टाइम था, इस टाइम कोविड था, उस टाइम बहुत प्रोडक्टिव था कि सारे काम हमारे इससे हो रहे थे, लेकिन अभी नहीं है. मैं खुद अपना फोन ऑफिस में रख के आऊं, क्या जरूरत है? कोई है ही नहीं यहाँ पे, नीड है ही नहीं फोन की तो क्यों. और फोन पे मैं एश्योर कर सकता हूँ मैक्सिमम लोग रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, बस स्वाइप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तभी उसके लास्ट में सोच रहा कि हम क्या प्रोडक्टिव निकाला, कुछ निकाला, कुछ नहीं निकलता. तो स्मार्टफोन की हैबिट तो बिल्कुल कम कर देनी चाहिए. और अभी आपको लग रहा है, अभी आपकी पता है आपके मतलब गलत चीजों के लिए पेरेंट्स को बुला लेते हैं, पेरेंट्स को जिम्मेदार उठा लेते हैं, या फिर बोल देते हैं कि आपके बच्चा ये नहीं कर रहे. जब आप खुद को वो चीज मिलेगा ना कि आपके कामों के लिए आप जिम्मेदार होंगे, तब आपको लगेगा कि यार मतलब मैं इतना बुरा कैसे हूँ. ये मैंने मिलिट्री में जाके सीखी कि मिलिट्री में कोई परेशान नहीं करता पेरेंट्स को कि आपने बुरा किया, आपने ये नहीं किया, आपने डिसिप्लिन तोड़ दिया. तो कोई पेरेंट्स को याद नहीं करता, जो मिलेगा अपने को मिलेगा, जो प्रसाद मिलेगा खुद को मिलेगा. तो उसमें उस टाइम फील होगा कि आप मतलब कितना गलत कर रहे थे, और पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं किसी भी चीज के लिए. और इंटीग्रिटी के बाद एक्सीलेंस, दैट इज कॉल्ड हार्ड वर्क. अगर किसी चीज को एक्सीलेंट लाना है, किसी चीज को बेस्ट करना है, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. नो अल्टरनेट, नो शॉर्टकट ऑफ हार्ड वर्क. आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार हार्ड वर्क तो किया था लेकिन लक काम नहीं किया. ये तो मैं बिल्कुल सही नहीं मानता, क्योंकि लक का फैक्टर तभी आता है जब आप हार्ड वर्क के रास्ते को छोड़ देते हो. जब आप शॉर्टकट पे काम करोगे तो आपको लगेगा यार बाई चांस हो भी जाए. अगर किसी चीज को दौड़ के पार करना है, आप सोचोगे शॉर्टकट रास्ता हो सकता है उसमें कुछ और मिल जाए, तो हार्ड वर्क का फैक्टर जब आप हटा देते हो तब लक फैक्टर काम करता है कि मैं शायद लक काम नहीं किया.
लेकिन हार्डवर्क का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई भी अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। और यू कैन फील, जब आप अभी आपको खुशी मिल रही है, आप स्मार्टफोन चला रहे हो, घर वालों ने नया फोन दिला दिया, आप स्मार्टफोन चला रहे हो, यूज कर रहे हो, लेकिन असली खुशी वो है जब आप अपने पेरेंट्स को स्मार्टफोन लाके दोगे। मैं सच में फील करता हूँ ये चीज, कि जब मैंने खुद स्मार्टफोन लिया था, जब मेरा सिलेक्शन हो गया उसके बाद, वो घर वालों ने दिलाया था लेकिन उसके बाद लिया था, लेकिन अभी जब मैं उनको चीजें दिलाता हूँ ना, तब मेरे को मतलब ऐसा फील होता है कि हाँ, ये दैट्स द रियल थिंग, कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, अब मेरे को कुछ लग रहा है कि मैं कुछ आगे जा रहा हूँ। अदरवाइज जब तक आप पेरेंट्स से ले लेके करते रहोगे, तब तक तो सिर्फ उतना ही उनसे लो जितना वो समर्थ है आपको देने में, जितना आपको नीड है। पेरेंट्स से सिर्फ जरूरत पूरी करवाओ, शौक अपने आप से पूरे करो यार। और आपकी मेरी जितनी एज है, एज ग्रुप मेरा जितना ही है आपका, और आपको सच में बहुत प्राउड फील होगा जब आपके पेरेंट्स को आपके नाम से जानेंगे। आई वुड लाइक टू मेंशन मेरी सिस्टर, जो एक यूनिक परिवार का हिस्सा है, जिन्होंने 2017 बैच में पास आउट किया, और उन्होंने अभी उनका रिसेंटली सिलेक्शन हुआ SSC CPO में, शी इज डूइंग ट्रेनिंग, और BSF इंस्पेक्टर पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हुआ है। अभी हमें किस नाम से जानते हैं घर वालों को, कोई पापा कहीं जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे ये तो वही है जिनके एक बेटा एयरफोर्स में लग रहा है, एक बेटा वो इंस्पेक्टर लग रही बेटी। ये फीलिंग जिस दिन आप फील करोगे ना, उस दिन बहुत बहुत बेस्ट होगा। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप बैठे हो, जिस प्रेयर ग्राउंड में आप बैठे हो, जिस चीज का आप हिस्सा हो यूनिक का, मैं तो सच में बोलूंगा दिस इज द बेस्ट, इससे बेस्ट शायद ही कहीं मिल सकता है आपको। दिस इज द बेस्ट, हर फील्ड में बेस्ट। स्टाफ की इतनी मेहनत, सुमित सर का इतना, मैं जब भी आके देखता हूँ सुमित सर कुछ ना कुछ नया बताने भी रहते, क्या उन्होंने ये स्टार्ट कर लिया बच्चों के लिए, ये कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं। मैं आज भी बोल रहा हूँ नरेंद्र सर को, सर ये फिर ये नया कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, बोल रहे हाँ अब फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया, और ये स्टार्ट करेंगे। तो इनका जितना एफर्ट्स है, आप उसका 50% लगा लो, इनके एफर्ट्स का 50% आप लगा लो, यू विल अचीव दैट थिंग, डेफिनेटली यू विल अचीव दैट थिंग। और लास्ट में यही बोलूंगा कि अभी दो साल का त्याग बोल सकते हो आप, बहुत मेहनत लगती है, मतलब चीजों को करने से ज्यादा मेहनत लगती है, क्या चीजें करनी है सबको पता है, लेकिन इस चीज को पाने के लिए क्या क्या चीजें नहीं करनी है हमें, अगर उस चीज पे काम करोगे तो आने वाले 2 या 3 साल में आप भी इसी जगह आ जाओगे, एंड दैट टाइम यू विल फील प्राउड, जब आपके पेरेंट्स को लोग आपके नाम से जानेंगे कि ये उसके पापा है, ना कि ये उसका बेटा है, इसकी बजाय ये उसके पापा है। तो तैयारी करते रहिए, और अगर किसी को कुछ डाउट है, या किसी को कुछ पर्सनली आके मिल सकते हैं आप, मिलिट्री के बारे में या प्रिपरेशन के बारे में, आर्म फोर्सेस के बारे में कुछ भी पूछना है, तो पर्सनली ऑफिस में आके मिल सकते हैं। और थोड़ा एनर्जेटिक रहिए, चलो एक वो लगाते हैं, सुना ही होगा सबने हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। थैंक यू सो मच।